कमला चौघड़ा सलई फासूरनवा उत्तरे कडुनी आली मगल गद खंड हवा तेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ नांडो नबे काहे दिया परदे बाबूजी ने हवाई जहाज की टिकटों के अलावा मुंबई का कोई हिसाब ही नहीं लिखवाया और 5300 का एक टिकट 5303 आदमी 15900। अरे मुंबई आना जाना तो बहुत महंगा है भाई। देखो हम कभी मुंबई आएंगे तो ट्रेन से ही आएंगे। अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई? अरे माल को दाम के हिसाब से अलग अलग करके रखना पड़ता है, तुम सब गड़बड़ कर दोगे। प्लीज भैया करने दीजिए, हम मतलब कुछ अंदाजा भी है यहाँ की दुकानदारी का? क्यों खामखा परेशान हो रहे हो? यहाँ की दुकानदारी और व्यापार और मुंबई की नौकरी में बहुत फर्क है, जानते हैं हम। पर अभी हमारे अंदर ना एक ज्वालामुखी फड़क रहा है, अगर अभी कुछ काम नहीं किया ना तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। कैसा ज्वालामुखी? जूस जूस, ठंडा ठंडा जूस पियो। लो चलो राम, लो जूस पियो, मुन्ना जूस पियो। क्या पैसे दे के आए या हिसाब में लिखवा दिए? मुन्ना शांत हो जा। अरे क्या शांत रहे चाचा, यहाँ सब मिलके हमारे प्यार के दुश्मन बन गए। हमारे प्यार का कोई दुश्मन नहीं मुन्ना, हर आदमी का नजरिया अपना अपना होता है देखने का। सब ठीक हो जाएगा, तुम धीरज रखो। अरे क्या धीरज से काम ले हम, जब से बात घर पे पता चली है यही तो कर रहे हैं हम। देखिये मुंबई में भी हमें कोई समझने वाला नहीं था, वहां पर हमने जैसे तैसे सबको समझा दिया। अब यहाँ पर नया इम्तिहान, अकेले किस किस को समझाएंगे चाचा? मुन्ना किसने कहा कि तुम अकेले हो? हम तुम्हारे साथ हैं, भाई साहब तुम्हारे साथ हैं। और दादी जी, अम्मा, बुआ, इनका क्या? बाबूजी तुम्हारे साथ हैं? यकीन नहीं होता। तुम किसके साथ हो? हम परिवार के साथ। परिवार की नजरों में जो काम अनुचित हो उससे दूर रहना ही बेहतर। कोई फायदा नहीं बात करने। अरे किसी से कोई फायदा नहीं है बात करने का यहाँ पर, वही तो कह रहे हैं हम आपको। ना तुम शांत रहो, हम माता जी से दोबारा बात करेंगे और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी गौरी बिटिया के साथ ही होगी। चाचा प्लीज ऐसा कोई वादा मत करना जो निभा ना सको आप। वादा निभाने के चक्कर में यहाँ खड़े हम अभी। पहले गौरी जी से वादा किया, फिर बाबा से, फिर अम्मा से। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि वादा निभाते निभाते ना हमारी जिंदगी से समझौता करना पड़ेगा, हम गौरी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। चलो जूस पियो। लो पी लिया बस। गौरीचं मन दुखावलेलं माका सहन नाही होतलं। सुख दारापर्यंत आलंय रे, घरात येऊ दे। पाहिजे तर मागितलंच ना देवाकडे? मी बाई माझ्या बर्फीसाठी शिवकुमार शुक्ल मागितला। खरच असं मागून मिळतं आजी?
मनात काही शंका ठेवली नाही ना की सगळं मिळतं. गौरे तू काळजी करू नको, सगळं ठीक होतला. शिवची आजी रागावली ना तर शिव तिची समजूत घालेल, कळला? तू कशी माझी लाडकी, तसा शिव पण त्याच्या दादीचा लाडका. हा ऐकल त्याचा. आजी मलाही असंच वाटतंय, शिव जाताना सांगून गेलाय मला की सगळं ठीक होईल आणि तो समजावेल सगळ्यांना. नक्की. माताजी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना. हमने लड़की को करीब से परखा है, संस्कारी है, सौम्य है, घर परिवार संभालना जानती है. ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं बनारस में. बनारस में लड़कियों का कोई अकाल नहीं है. सौम्य, संस्कारी, घर बार संभालने वाली एक से बढ़कर एक. उनमें से चुन लेना अपने बेटे के लिए कोई एक. ऐसे कैसे माताजी? क्या मतलब? अपना मुन्ना उस लड़की को चाहता है. अरे ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्ना छोटा है, नादान है, हो गई उससे गलती. लेकिन तुम तो समझदार हो. मुन्ना के कान पकड़ते वहां मुंबई में और कर देते सीधा, तो यहाँ हमारे पैर पकड़कर समझाने की नौबत ना आती तुम्हें. जी हमें जो सही नजर आ रहा है वही हम कह रहे हैं. तो तुम्हारी नजर में दोष है. जो हमें दिखाई दे रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा. चांद पर लगा एक दाग उसके 100 गुणों को छिपा देता है. और ये तुम्हारा लड़का तुमसे चांद मांग रहा है लेकिन इसे दाग नहीं दिखाई दे रहा उसका. आंखों पर प्यार की पट्टी जो बंधी है लेकिन हमारी आंखें खुली है, समझे? और सुनो, तुम चाहे कितनी भी पैरवी कर लो इसकी लेकिन हमारे जीते जी ये रिश्ता नहीं हो सकता. इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार तो उनसे मिल लीजिए. हमने वादा किया गौरी जी से, उस वादे के खातिर बस एक बार. अगर वादा निभाना है तो हमारी लाश पर से गुजरना होगा तुम्हें. मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठंडा रखो, शांत रहे, शांत. हमको रास्ता ढूंढते हैं. वो भी तो शांत रह सकते हैं ना चाचा, हमारी खातिर एक बार बात नहीं कर सकते वो गौरी जी से? अरे यार वो शिव, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे. दादाजी प्रणाम. जीते रहो. कहो बे, तेरे पे 12 के बजे तुम्हारे. हाँ बताओ यार, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, हमें क्या टेंशन है. टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं. चलो दर्शन मनाते हैं. दर्शन मनाएंगे. अबे तुम क्या कहना चाह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा. क्या क्या जश्न, क्या मतलब? पर हम समझ गए, दादी नहीं मानी ना, है ना? बढ़िया है, माननी भी नहीं चाहिए. मुंबई से आए तो मनमानी करोगे? प्यार किया है, मनमानी नहीं. सुबह दोस्त के लाते और फालतू की वकालत करते हो. ये प्यार व्यार की बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं. 2 दिन हुए इसे बनारस आए हुए, आग की तरह फैल रही है बात पूरे बनारस में. अरे शुक्ल खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था. तुम बात कहां से कहां लेके जा रहे हो?
खानदान की बात बीच में कैसे आई है? खानदान बीच में नहीं, खानदान सबसे पहले आता है, इसलिए शादी ब्याह के मामले में नाप तोल कर सोच समझ के शादी की जाती है। तू किसी बराबरी की लड़की को लाता तो समझ भी आता, तो एक मुंबई की लड़की से पट गया, ना उनके खानदान का आता पता, ना नाम, ना कुछ, ऐसे होती है क्या शादी? जी और बुजुर्गों की बातें भूल गया क्या? ऐसे शादी करने से ना आगे की नस्ल खराब हो जाती है। तो बड़े ज्ञानी हो यार। तो एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी ने तो बड़े सोच समझ के शादी करी होगी, तो उनकी नस्ल कैसे खराब हो गई? ए, सोच समझ के बोलो, समझ गए क्या? हाँ तो तुम क्या कहते हो भाभी के बारे में? तुम अपना मुंह संभालो, ठीक है ना? क्या भाभी, कौन सी भाभी, किसकी भाभी? अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है, अभी से बातें मत करो, अभी से चमचागिरी चालू होगी तुम्हारी। अबे चमचे तो तुम हो, बड़े बुजुर्ग ने कुछ कहा तो उनका ज्ञान बगाड़ने हमारे पास आ गए, हमारी खुद की अकल तो घास चढ़ने गई है ना। अबे अकल के अंधे, सोच समझ के बोलो, समझे क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? पीछे पीछे, ठीक है तो कह रहा है वो, इसका क्या मतलब है? कि बड़े ने जो कहा है हम अपनी जिंदगी के फैसले उनकी मर्जी से लें? वरना समझदार है वो, अपना अच्छा बुरा जानता है। चाचा जी हम भी तो वही कह रहे हैं ना, पर इस ना समझ को ये बात कितनी बार समझाएं? ए तुम्हें क्या दे रहे हैं, चुपचाप बैठो नहीं तो यही कूट देंगे। अच्छा हाथ नीचे, हाथ नीचे। तुमने नाम दिया ना इनको मजनू चाचा, लग रहा उसी के पाप भुगत रहे हो तुम। बेटा इस जनरेशन के मजनू चाचा बनने के लिए तैयार हो जाओ तुम, इनसे ठाकुरों की लड़की नहीं संभली तू मुंबई की लड़की पढ़ाने चला है। तेरे से नहीं संभलेगी। अरे एकदम चुप, एक शब्द भी तू और बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मना चल। माता जी, भाई साहब, भाभी जी। क्या हुआ छुट्टन, काहे चीख रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ जी? क्या बात है, क्या हुआ देवर जी? बस बस कीजिए अपनी मनमानी माता जी। अब आपको मुन्ना की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या इसे मनमानी करने दें? अगर ये मुंबई में मनमानी करने की ठान लेता तो ना आप, ना आप, ना आप रोक पाते उसे। और लड़की का हाथ पकड़ के चले जाता, भाग जाता तो क्या करती आप? देवर जी बस, अब और कोई गलत रास्ता मत दिखाइए हमें मुन्ना को। भाग जाता से क्या मतलब था तुम्हारा? माता जी, माता जी आप शांत रहिए, न जाने देवर जी क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हाँ देवर जी, ये हमारा बेटा है और वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता है। अब हमें अपनी परवरिश पे इतना भरोसा तो है ही, हमारा खून अभी सफेद नहीं हुआ है। और जब माता जी ने अपना फैसला सुना दिया तो आप का ही बरगला रहे मुन्ना को है? अपनी जिंदगी खराब करके आपको चैन नहीं पड़ा जो हमारी मुन्ना की जिंदगी खराब करने के पीछे पड़े हैं? भाभी जी, मुन्ना की जिंदगी हम तबाह नहीं कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ना आपको, ना आपको, ना आपको मुन्ना की खुशी का ख्याल है। ये कहाँ नाप छनाप बक रहे हो छुट्टन? और इसकी खुशी की हमें नहीं तो का तुम्हें पड़ी है? अरे इसे तबाही से बचा रहे हैं हम ताकि इसका हाल तुम्हारे जैसा ना हो। अब तुम्हें अपनी मनमर्जी की शादी करके का मिला, का मिला? अरे शादीशुदा होकर भी सन्यासियों जैसा जीवन बिता रहे हो। और जिस लड़की के लिए तुमने बगावत की थी ना, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भाग गई है और भुगत रहे हैं हम।
बस माता जी बस। बंद कीजिए झूठ बोलना। हमारी जिंदगी कुछ सुनलता ने बर्बाद नहीं की बल्कि आप लोगों ने की है मिलकर सबने। शादी करके हम लोग बहुत खुश थे। सुमलता माता जी आपसे और भाभी जी से इस घर के तौर तरीके सीख रहे, वो आप लोगों जैसा बनना चाहती थी लेकिन आप लोगों ने कभी उसे अपनाया नहीं। हमेशा सौतेला व्यवहार किया उसके साथ। इस घर में नियम अलग अलग बनाती है क्या? भाभी जी गलती करें तो सजा अलग, वो गलती करें तो सजा अलग। अगर आपका ध्यान नहीं जाता था तो वो कमी भाभी जी पूरी कर देती थी। देवर जी हम तो बस बस बस। भाभी जी क्या लगता है आपको कि हम कुछ समझते हैं? कुछ सुमलता के साथ रसोई में जो आप सलूक करती थी क्या हमें पता नहीं था? कई बार उसे अकेले में कमरे में सिसकियां भरते हुए देखा हमने, लेकिन उसने ना आपके न माता जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा हमसे, ना उसने कहा ना हमने सुना। मैं देखते हुए जानते हुए भी हर चीज को अनदेखा करती, जिसे हम अपनी जिम्मेदारी इस घर में लेकर आए थे उसका हमने कभी साथ नहीं दिया, ना खुशी में ना गमी में। हमेशा उसे अकेला छोड़ वो इस घर से जा रही थी तो हमने उसे रोका नहीं। तभी हमने अपने परिवार का साथ दिया, हमने अपने परिवार की खातिर अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। वो आप लोग के अत्याचार से तंग होकर परेशान होकर इस घर से गई। माता जी हमारी जिंदगी कुसुमलता ने नहीं बल्कि आप सब लोगों ने बर्बाद की। और वही सब कुछ आज आप मुन्ना के साथ करने जा रहे हैं। ये सब मैं नहीं होने दूंगा। तब मैं अकेला था, मेरे साथ घर में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। आज उसके साथ मैं हूं उसका चाचा। और मुन्ना की शादी गौरी के साथ मैं करवाऊंगा। और आप लोगों में से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके झूठे अहंकार का शिकार हम तो हो गए थे लेकिन मैं मुन्ना को नहीं होने दूंगा। फोन उचलत नाही येतो, कामात असेल बहुतेक।
दोन दिवस झाले जाऊन त्याला एव्हाना दादीशी बोलणं व्हायला हवं होतं. तुझ्या आदमधून फोन होतात ना, ठीक आहे ना सगळं? हो सगळं ठीक आहे.